सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7000 mAh की जंबो बैटरी वाले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि होने वाला है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी F62, जो कि 15 फरवरी को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था। दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये मिड रेंज सेगमेंट के कस्टमर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, इसकी जो पहली सेल होने वाली है वो होने वाली है 22 फरवरी को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही अगर आप जो है ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा आप एक बड़े कैशबैक के साथ इस स्मार्टफोन को कैसे परचेज कर सकते हैं। तो बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो में। चलिए फिर बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम इसकी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन आपको 1080x2400 पिक्सल देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा Exynos का 9825 का चिपसेट, जो कि एक बढ़िया चिपसेट है। इसके अलावा यूजर्स को डिवाइस में Android 11 आधारित One UI 3.1 ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा। वहीं अगर हम इसके कैमरे सेटअप की बात करें तो गैलेक्सी F62 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका पहला कैमरा आपको 64 MP का देखने को मिलेगा, वहीं 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलेगा, वहीं तीसरा 5 MP का एक मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा, वहीं चौथा 5 MP का आपको एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। ओवरऑल कैमरे सेटअप की बात करें तो यहाँ पर कैमरा सेटअप आपको एकदम बढ़िया सेटअप देखने को मिलने वाला है। सैमसंग का कैमरा तो वैसे भी बहुत अच्छा ही होता है। दोस्तों, अब हम इस फोन के मेन हाईलाइट की बात कर लेते हैं, जो कि है इसकी बैटरी। सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन में आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि आएगी 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। इसके अलावा यूजर्स को डिवाइस में 4G वोल्टी, वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 5 और USB टाइप सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। दोस्तों, अब हम इसके वेरिएंट और कीमत की बात कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम और 64GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, वहीं 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं 6/64 की कीमत की बात करें तो वो होगी 22,999 रुपये। वहीं 8/128GB वाले वेरिएंट की कीमत की बात करें तो वो होगी 25,999 रुपये। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आप जो एक बड़ा कैशबैक कैसे पा सकते हैं इस स्मार्टफोन पर परचेज करने पर। दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट जो है ICICI बैंक में है तो आपको इस पर 2500 रुपये तक का कैशबैक देखने को मिलेगा। वहीं आपके पास जो है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर आप 5% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं इस स्मार्टफोन पे। इतना ही नहीं, गैलेक्सी F62 को आप जो है 4300-3400 रुपये प्रति महीने की नो कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो इस स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।